हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयराम। पिछले दो पार्ट में हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में बताया, मैरन हैबिटेट के बारे में एंड एस्टुराइन हैबिटेट के बारे में बताया था। नाउ लास्ट रह गया ये फ्रेश वाटर हैबिटेट। इन दिस वी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेश वाटर एनवायरमेंट। जस्ट लाइक एज मैरन हैबिटेट में हमने आपको बताया था, वहाँ पर भी क्या रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिज्म एंड यहाँ ऑर्गेनिज्म एंड मैरन वाटर के मध्य। इसी प्रकार से फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेश वाटर एनवायरमेंट के मध्य रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आप एक टर्म से और वाकिफ होंगे, यह है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज लिम्नोलॉजी? तो फ्रेश वाटर के जो ऑल एस्पेक्ट हैं, मतलब फ्रेश वाटर के सभी पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेश वाटर लाइक फिजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो वाटर के सभी एस्पेक्ट का जो स्टडी की जाती है उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं, वो भी फ्रेश वाटर के। केवल हम यहाँ पे फ्रेश वाटर के सभी एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं उसे ही लिम्नोलॉजी कहते हैं, मैरन वाटर में ऐसा नहीं कहते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट मेनली टू टाइप्स का होता है, लैंटिक एंड लोटिक। लैंटिक एंड लोटिक, लैंटिक बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक एंड बॉक्स। जो लैंटिक वाटर है वो कैसे होते हैं, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज होती हैं जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक है एंड बॉक्स है। इनका जो वाटर है वो रनिंग नहीं करता है और एक जगह स्टेबल रहता है। लोटिक में आता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जैसे रिवर में पाया जाता है, स्ट्रीम में है एंड स्प्रिंग में। नाउ वी डिस्कस एनवायरमेंटल कंडीशन एंड कम्युनिटीज। एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर फर्स्ट, सेकेंड टर्बिडिटी, करंट एक्शन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फास्फेट। दीज फैक्टर और एनवायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट फ्रेश वाटर हैबिटेट। फर्स्ट वी डिस्कस टेम्परेचर। फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ये कि नैरो टॉलरेंस रखते हैं टेम्परेचर के प्रति, नैरो टॉलरेंस रखते हैं अर्थात ये स्टीनोथर्मल होते हैं। स्टीनोथर्मल, टेम्परेचर के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो होते हैं स्टीनोथर्मल और दूसरे होते हैं यूरीथर्मल। टेम्परेचर टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स में हम इन्हें बांट सकते हैं, स्टीनोथर्मल्स एंड यूथर्मल्स। स्टीनोथर्मल्स एनिमल्स जो लो टेम्परेचर के प्रति टॉलरेंस रखते हैं उन्हें स्टीनोथर्मल कहते हैं, तथा जो यूरीथर्मल एनिमल्स हैं वो अधिक टेम्परेचर वेरिएशन के प्रति टॉलरेंस रखते हैं। तो जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में एनिमल्स पाए जाते हैं या जो भी कम्युनिटीज पाई जाती है वो टेम्परेचर परिवर्तन से और टेम्परेचर वेरिएंस से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। वो केवल लो टेम्परेचर वेरिएशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। यदि टेम्परेचर का परिवर्तन अधिक होता है तो उनका जो ग्रोथ है एंड उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है। सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इसको ये कह सकते हैं हम कि गंदलापन, पानी का गंदलापन होना है। तो ये क्या करती है कि जो जैसे जैसे किसी फ्रेश वाटर की टर्बिडिटी बढ़ती जाती है तो उससे लाइट
जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी उत्पादकता प्रभावित होती है, अर्थात उनका प्रोडक्शन प्रभावित होता है, और इस प्रकार की कोई भी वाटर बॉडी है वो कम प्रोडक्टिव होगी, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं विशेष करके फौना वगैरह हैं वो उनकी पॉपुलेशन भी प्रभावित होगी और वो कम विकसित हो पाएंगे। तो टर्बिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, एज ए गंदलापन, या हम कहेंगे ट्रांस, इससे जस्ट एज लाइक ये मानो कि आप गंदलापन, पानी में गंदलापन होना, जैसे मिट्टी का उसमें घुलना, जिससे क्या होता है कि उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा, लाइट अधिक डेप्थ तक नहीं जा पाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस भी प्रभावित हो जाता है। टर्बिडिटी को हम साइंटिफिकली सेची डिस्क के द्वारा मापते हैं। इसमें क्या होगा कि एक गोल डिस्क होती है, इस डिस्क में बीच में मध्य में और एक हुक लगा होगा, और इससे क्या है कि एक डोरी बंधी हुई होती है। इसको धीरे धीरे हम पानी में डालते हैं और जहाँ पे ये अदृश्य हो जाती है तो उस दूरी को माप के हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी वाटर की कितनी टर्बिडिटी है। तो टर्बिडिटी क्या करती है, मोस्टली जो ट्रांस फोटोसिंथेसिस है उसको प्रभावित करती है। थर्ड है करंट एक्शन ऑफ वाटर। वाटर का जो करंट है या वेलोसिटी ऑफ वाटर कहें हम, जो वाटर का जो करंट है या करंट एक्शन ऑफ वाटर है, मतलब तेज गति से जल का जो प्रवाह है ये भी प्रभावित करता है। मोस्टली जो लेंटिक के बारे में हम जब बता रहे थे, लेंटिक में तो स्टैंडिंग वाटर बॉर्डर आता है या स्टैंडिंग वाटर बॉडी जाती हैं जो इस कंडीशन से प्रभावित नहीं होती, लेकिन जो लोटिक हैं जैसे रनिंग वाटर आता है, रिवर है, स्ट्रीम है, स्प्रिंग है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और ये ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करते हैं। यदि वाटर का जो करंट है वो अधिक होता है या उसकी वेलोसिटी और वेग अधिक होता है तो वहाँ पे कम ही प्रकार के प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ फौना भी कम विकसित होता है। इससे क्या होता है, जो गैसेज है, साल्ट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रभावित होता है। देन फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जनरली क्या होती है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, जिसमें कि O2 एंड CO2 सब आती हैं, मोस्टली क्या होती हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में होती हैं इन फ्रेश वाटर हैबिटेट में। जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रह रहे हैं वो केवल सोल्यूबल जो ऑक्सीजन है और जल में घुलित ऑक्सीजन है उसी का उपयोग कर सकते हैं एनवायरमेंटल, और हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर के जो बाहरी गैसेज हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते। तो जैसे ही जल में ऑक्सीजन की कमी आती है तो ये जीव मरने लगते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो एकॉर्निया नाम आपने सुना है, एकॉर्निया जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ये क्या करती है कि जो सोल्यूबल जो ऑक्सीजन है, वाटर सोल्यूबल जो ऑक्सीजन है, उस सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो तो वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है, लेकिन उस वाटर बॉडी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में मरने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। देन बात करते हैं हम फिफ्थ, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में मेनली है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, इनकी जो कंसंट्रेशन है ये भी क्या है कि यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर्स होता है। जहाँ नाइट्रेट और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पे एनिमल्स कम ग्रो करते हैं या प्रोड्यूसर्स भी कम ग्रो करते हैं, और जहाँ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अधिक होंगे वो अधिक प्रोडक्टिव वाटर बॉडी कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जो हमने आपको पांच
कंडीशंस बताई हैं, ये फ्रेश वाटर को प्रभावित, फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रभावित करती हैं। जैसे टेम्परेचर प्रभावित करता है उनको, मोस्टली क्या होते हैं कि ये नैरो टॉलरेंस रखते हैं टेम्परेचर के प्रति। टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी सीधे ही फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी जिससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती है वाटर बॉडी की। करंट एक्शन ऑफ वाटर है, ये भी क्या करता है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, और मोस्टली लेंटिक वाटर बॉडीज में। फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, मोस्टली क्या होती हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में रहती हैं। और फिफ्थ है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जोनेशन, फ्रेश वाटर हैबिटेट में जोन किस प्रकार से बटे हुए हैं वो देखते हैं। ये जो डायग्राम बने हुए हैं आप इन्हें देखें, जनरली इसको देखें पहले, फर्स्ट इस वाले डायग्राम को। यहाँ पे आपको तीन जोन दिखाई दे रहे हैं, लिटोरल जोन, ये सैलो वाटर जोन है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है छिछला पानी है यहाँ पे, जिसकी डेप्थ कम होती है, इसे हम लिटोरल जोन के नाम से जानते हैं। सेकंड है लिमनेटिक जोन, ओपन वाटर जोन है ये, इसे हम ओपन वाटर जोन कहते हैं। ये संपूर्ण एरिया है, ये लिमनेटिक जोन है यहाँ से और यहाँ तक का लिमनेटिक जोन, जिसे ओपन वाटर जोन कहते हैं। जहाँ तक ओपन वाटर जोन है ये, और वहाँ से लेके और जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, जैसे यहाँ तक लाइट इस पॉन्ड से लेक में पेनिट्रेट कर सकती है, तो ये लिमनेटिक जोन कहलाता है। और बियॉन्ड इट, और इसके आगे जहाँ इफेक्टिव लाइट नहीं पहुँचती है, उसे हम प्रोफंडल जोन के नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक इफेक्टिव लाइट कैन पेनिट्रेट कर सकती है वो लिमनेटिक जोन कहलाएगा। सीसा लेक या पॉन्ड्स की सरफेस से, और इससे आगे का जोन प्रोफंडल जोन कहलाता है। मोस्टली पॉन्ड्स में ये प्रोफंडल जोन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये कम गहराई के होते हैं या कम डेप्थ के होते हैं, तो इफ़ेक्टिव लाइट पॉन्ड्स में जनरली उसके नीचे तली तक पहुंच जाती है, और उसमें प्रोफंडल जोन का अभाव होता है। अब यहीं पर इस डायग्राम में आप वेगेटेशन भी देख लेते हैं कि जनरली जो लिटोरल जोन है, ये लिटोरल जोन है जो किनारे पर पाया जाता है पॉन्ड्स के या लेक के पे, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपको रूटेड ग्रीन प्लांट्स दिखाए गए हैं, ये वाले रूटेड ग्रीन प्लांट्स हैं। यहाँ पे रूटेड फ्लोटिंग लीव्स वाले भी हैं रूटेड, यहाँ रूटेड सबमर्ज्ड भी हैं, एंड यहाँ पे प्लैंकटॉन्स वगैरह, विशेष करके फाइटोप्लैंकटॉन्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो वेगेटेशन की बात करें यहाँ पे, और प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बहुत अधिक भी पाए जाते हैं, और मोस्टली रूटेड और लार्ज प्लांट्स भी पाए जाते हैं। लिमनेटिक एरिया की बात करते हैं हम, तो लिमनेटिक जो एरिया है यहाँ पे मोस्टली एल्गीस पाई जाती हैं जो प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। प्रोफंडल जोन में इस तरह के जो एल्गी वगैरह हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ये मोस्टली फूड के लिए लिटोरल एंड लिमनेटिक जोन पर ही डिपेंड रहता है। इसको आप ये देख सकते हैं, ये सन की लाइट है, ये यहाँ पे गिर रही है, तो ये कॉर्नल वाला जो रीजन है आप ये देख रहे हो, छिछला रीजन है यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये लिटोरल जोन कहलाता है, ये लिमनेटिक जोन हो गया, एंड देन थर्ड है प्रोफंडल जोन। लाइट कंपनसेशन लेवल है यहाँ पे ये वाला, कि यहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है, तो लाइट पेनिट्रेट जहाँ तक कर रही है वो लिमनेटिक जोन, और जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है उससे आगे का जो जोन है वो प्रोफंडल जोन कहलाता है। थ्री डिस्टिंग्विश्ड जोन आर फाउंड इन लेक्स,
उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। फर्स्ट है जैसे इसमें लिटोरल जोन है, तो ये सैलो वाटर एरिया होता है, छिछला पानी वाला एरिया होगा। लिमनेटिक जोन हमने आपको बताया था कि ओपन वाटर जोन है ये जोन। टू डेप्थ हियर इफेक्टिव लाइट कैन पेनिट्रेट, जहाँ तक इफेक्टिव लाइट पहुँच सकती है यह जोन लिमनेटिक जोन कहलाता है। एंड थर्ड आता है प्रोफंडल जोन, जिसे हम डीप वाटर एरिया कहते हैं, और बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन, जहाँ तक इफेक्टिव लाइट पहुँच सकती है उससे आगे का जो जोन है या रीजन है यह प्रोफंडल जोन कहलाता है। नाउ वी डिस्कस द कम्युनिटीज। कम्युनिटीज में मोस्टली इंक्लूड होंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कम्युनिटीज मेनली यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे एंड कंज्यूमर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स में जो कॉमन है, एल्गी कॉमन है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्वाटिक फेनोरोगेम्स हैं, ये कॉमन है जो कि सभी जोन्स में जनरली पाए जाते हैं, और विशेष करके लेटोरल एंड लिमनेटिक जोन्स में ये पाए जाते हैं। कंज्यूमर्स में मोस्टली क्रस्टेशियन हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट हैं, फ्रेश वाटर वाले ही हैं सारे के सारे ये, मोलस्कन हैं एंड फिशेज आर कॉमन। फिशेज जनरली पाई जाती है, और फिशेज तो मोस्टली क्या होती है, लिटोरल एंड लिमनेटिक जोन दोनों ही जोनों में पाई जाती है। वो क्या है कि फ्रीली मूव कर सकती है, किसी ये फिक्स नहीं है फिश के लिए कि वो पार्टिकुलर लिटोरल जोन में रहे या फिर लिमनेटिक जोन में रहे, वो फ्रीली मूविंग करती रहती है। देन दोनों को हम अलग अलग फ्रेश वाटर में अध्ययन कर रहे हैं, लैंटिक कम्युनिटीज़ का अलग से अध्ययन करेंगे और लोटिक कम्युनिटीज़ का अलग से अध्ययन करेंगे। लैंटिक एंड लोटिक कम्युनिटीज़, लैंटिक कम्युनिटीज़ इसमें भी हम बात करते हैं, तीन जोनों में इसे बांटा गया था, लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। तो लिटोरल जोन में मेनली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लांकटॉन्स हैं, जैसे डायटम्स हैं, डेस्मिड हैं, स्पायरोगायरा, इडोगोनियम, जिग्नीमा, क्लेडोफोरा, कारा, बॉलवर्क्स एंड विल्यूग्रीन एल्गी। मोस्टली लिटोरल रीजन में प्लैंकटॉन्स बहुतायत में पाए जाते हैं एंड रूटेड प्लांट आल्सो प्रेजेंट, दीज आर निम्फिया एंड निलंबोस। अदर प्रोड्यूसर्स आर सबमर्ज प्लांट लाइक ओटामोजिटोन, सेराटोफिल्लम, हाइड्रला, बैलेसनेरिया, नाइटेला एंड एलोडिया। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में मोस्टली पॉन्ड स्नेल पाए जाते हैं, डेसिमल फ्लाई है, रोटिफर्स, फ्लैटवर्म्स, आइसोपोड्स, मेफ्लाई, नेम्प्स, क्लैम्प्स, एनेलिड्स, स्नेल्स, कायरोनोमेट लार्वास एंड अदर डिप्टेटन लार्वास। इसके साथ साथ इसमें फ्रॉग्स, टर्टल, वाटर स्नेक एंड एक्सक्लूसिवली फाउंड पाए जाते हैं। फिश लिटोरल जोन एज वेल एज लिमनेटिक जोन दोनों में फ्रोली मूव करती है। जो फ्रॉग्स हैं, टर्टल हैं, वाटर स्नेक हैं, ये तो मोस्ट एक्सक्लूसिवली लिटोरल जोन तक ही सीमित हैं और यहीं तक पाए जाते हैं, वो लिमनेटिक जोन में नहीं पाए जाते हैं। बट जो फिश हैं ये फ्रीली मूव करती हैं। नाउ सेकंड जोन की बात करते हैं हम, लिमनेटिक जोन, ओपन वाटर जोन जैसे हम कह रहे हैं, और जहाँ तक लाइट कैन पेनिट्रेट, जहाँ तक लाइट प्रवेश कर सकती है। इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, मेनली इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटोप्लैंकटोनिक एल्गी होते हैं, जिसमें डायटम्स हैं, ग्रीन एल्गी हैं, बीजीए है, डाइनोफ्लैजलेट हैं, यूग्लिना एंड बॉलवॉक्स से इंक्लूड हैं।
कंज्यूमर्स में मोस्टली कॉपीकॉर्ड्स हैं, कॉपी पॉट्स, क्लेडोसिरन्स हैं, रोटिफर्स, साइक्लॉप्स, साइडा, बॉसमिना एंड फिश पाई जाती हैं। प्रोफंडल जोन लास्ट और सबसे अधिक जो डेप्थ में पाया जाता है मोस्टली ये पॉन्ड में एब्सेंट, हमने आपको बताया है थर्ड जोन के बारे में है प्रोफंडल जोन। तो ये जोन पॉन्ड्स में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल लेक में ये जोन पाया जाता है। और आप आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोटिक वाटर बॉडीज़ हैं उनमें इस तरह का जोनेशन नहीं पाया जाता है जैसे लिटोरल, लिमनेटिक एंड प्रोफंडल, क्योंकि उसकी डेप्थ काफ़ी कम होती है और करंट एक्शन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, पानी इतना अधिक गहरा वहाँ पे नहीं होता। प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ मेनली, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रोफंडल जोन है इसमें प्रोड्यूसर्स एब्सेंट होते हैं। यह जो जोन है फूड के लिए लिटोरल एंड लिमनेटिक जोन पर ही डिपेंड रहता है। यहाँ फाइटोप्लैंकटॉन्स या अदर प्रोड्यूसर्स नहीं पाए जाते। कंज्यूमर्स में मोस्टली यहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंजाई पाए जाते हैं, और इसमें भी इसमें कायरोनोमेड लार्वा है, एनेलिड्स हैं, ये इंक्लूड है। लोटिक कम्युनिटीज प्रोड्यूसर्स इसमें मेनली अटैच्ड ग्रीन एल्गी हैं यहाँ, एज क्लेडोफोरा है, एनक्रिस्टिंग डायटम्स हैं एंड एक्वाटिक मॉसेस। मोस्टली यहाँ ग्रीन एल्गी पाए जाएंगे, एक्वाटिक मॉसेस पाए जाएंगे, एनक्रिस्टिंग डायटम्स पाए जाएंगे, अर्थात यहाँ इस प्रकार के प्रोड्यूसर पाए जाते हैं जो स्टोन से जिनमें चिपकने की क्षमता हो और स्टोन से जो चिपके रह सकें या जो रूटेड हों, जो आसानी से होल्ड कर सकते हों या उनमें जड़ें गहरी हों, उस तरह के पाए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि पानी की जो करंट एक्शन ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेगेटेशन के रूप में मोस्टली यहाँ पे ग्रीन एल्गी, या सॉरी वेगेटेशन ना कह के हम प्रोड्यूसर कहें, तो प्रोड्यूसर के रूप में मेनली यहाँ पे ग्रीन एल्गी, क्लेडोफोरा एंड क्रस्टिंग डायटम्स पाए जाते हैं। कंज्यूमर्स में यहाँ कुछ खास विशेषताएँ पाई जाती हैं जो इन्हें इसके लिए अनुकूलित करते हैं, जैसे जो भी कंज्यूमर्स हैं उनमें हुक्स पाए जाते हैं जिससे करंट एक्शन ऑफ वाटर का उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, सकर्स पाए जाते हैं जिससे ये किसी सतह से आसानी से चिपक सकें, और इनकी जो अंडर सरफेस होती है वो स्टिकी होती है और बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे कि करंट एक्शन ऑफ वाटर का इन पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो ये जो एडाप्टेशन इनमें विकसित हुए हैं लोटिक कम्युनिटीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इस तरह के एडाप्टेशन विकसित हुए हैं जिससे कि यह इस प्रकार के हैबिटेट में आसानी से रह सकते हैं। मोस्टली यहाँ फ्रेश वाटर स्पंज यहाँ पाए जाते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, कैडिस फ्लाई है, लार्वा है, स्नेल, फ्लैट वर्म्स, फिश, स्टोन फ्लाई एंड मे फ्लाई नेम्स यहाँ पाए जाते हैं। तो जो लोटिक कम्युनिटीज़ है इसमें जो मेन और क्रिटिकल एनवायरमेंटल कंडीशन है वो करंट एक्शन ऑफ वाटर, इसके अलावा भी यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है मोस्टली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की वो काफ़ी कम होता है। इसलिए यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है वो कम पाई जाती है। स्पेशली कुछ ऑर्गन्स विकसित होते हैं जो इस वातावरण में रहने के लिए इन्हें अनुकूलित करते हैं। थैंक यू।